नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जाधव। उन खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के आज के कार्यक्रम। आपको बता दें, सुबह 11:30 बजे उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित अधिवेशन का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री, और साथ में देहरादून के रिस्पना पुल स्थित जेएसआर कॉन्टिनेंटल होटल का शुभारंभ भी आज मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। और वही शाम को 4 बजे कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर सचिवालय में बैठक भी करने वाले हैं मुख्यमंत्री। और साथ में मुख्यमंत्री रावत जो हैं वो कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने पर भी मंथन करने वाले हैं। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता अवनीश गुप्ता फोन लाइन पर है। अवनीश गुप्ता, क्या कुछ आज मुख्यमंत्री रावत का कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए पल्लवी, अगर बात करें तो यहाँ पर जो है सुबह के सीएम तीरथ सिंह रावत का जो आज प्रोग्राम है कार्यक्रम, उसको जो है यहाँ पर 11:30 बजे जो रिस्पना पुल है वहाँ पर एक जैसा कॉन्टिनेंटल होटल है उसमें जो है बाल संरक्षण आयोग का जो अधिवेशन है उसका वो विधिवत उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद 4:30 बजे जो है वो टीकाकरण को लेकर, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर समीक्षा करेंगे अधिकारियों के साथ, क्योंकि चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है और कुंभ चल रहा है, जिसको लेकर हालात में दृष्टि बनाएंगे और कितना क्या किस स्थिति में जो है पर्यटकों को जो है यहाँ पर टीकाकरण किया जाए, वो तमाम जो बात है वो उसकी जो है दिशा निर्देश जारी करेंगे अधिकारी। बिल्कुल। और साथ में जिस तरीके से अवनीश सुबह 11:30 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया जाएगा तो कौन सा ये कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा? देखिए, बाल संरक्षण जो आयोग है और इसका एक अधिवेशन होता है, हर साल होता है, जिसमें जो बच्चे होते हैं ये तो आयोग के उसको किस तरीके से यहाँ पे वो किया जाए, उनको सीधे बांटी जाती है, गिफ्ट दिए जाते हैं और उनकी पढ़ाई लिखाई का तमाम जो बातें हैं उसपे जो है निगरानी की जाती है, उस अधिवेशन का यहाँ पे जो है विधिवत उद्घाटन करें। ठीक है, लेकिन अवनीश शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर भी बैठक करने वाले हैं, तो इस बैठक में कौन कौन से आला अधिकारी शामिल होंगे, साथ में क्या कुछ दिशा निर्देश मुख्यमंत्री दे सकते हैं? देखिए, टीकाकरण की जहां तक बात है, क्योंकि यहाँ पर जो है लगातार टीकाकरण वैक्सीनेशन किया जा रहा है, तमाम फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो है स्वास्थ्य कर्मी है सबको टीकाकरण यहाँ पे किया जाता है, परंतु देखा जाए क्योंकि चारधाम यात्रा है उसको लेके जरूर यहाँ पे दिशा निर्देश दिए जाएंगे, स्वास्थ्य सचिव और तमाम आशा कार्यकर्तियों किस तरीके से दिशा निर्देश जाते हैं ये तमाम बातों पर जो निर्णय लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए अवनीश। तो आज सुबह 11:30 बजे से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के तमाम कार्यक्रम प्रस्तावित हैं।